देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। मोदी जी एक काम भी नहीं किए हैं अपने शासन काल में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। क्या लगता है मनोज तिवारी, कभी नजर नहीं आप लोग? नहीं आए क्या लगा, कभी नजर नहीं आप? नहीं कभी नहीं है, यहाँ तो दिखता ही नहीं है। मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी का लाइव डिबेट हो, मजा आए, आधे घंटा पौना घंटा एक घंटा का मजा आए। लाइव डिबेट मुद्दों पे होना चाहिए। मनोज तिवारी, इस बार इस समय हम करावल नगर विधानसभा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, लेकिन यहाँ आने में देख के समझ में आ गया कि इस क्षेत्र का किस क्या हालत है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल जो है मनोज तिवारी सांसद रहे, क्या इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ या हुआ, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या 10 साल जो है मनोज तिवारी इस सांसद रहे हैं इस क्षेत्र के, तो क्या लगता है विकास क्यों? नमस्कार महोदय, आप इस करावल नगर विधानसभा में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 2-4-10 दिन से घूम रहे हैं, आप बताइए क्या विकास हुआ, कुछ विकास दिखा? ये दिल्ली का क्षेत्र है, ये आपको लग रहा है दिल्ली का क्षेत्र ही है? देश की राजधानी दिल्ली है, ये जिस क्षेत्र में आप खड़े हो इसे कहते हैं दिल्ली। ऐसा लगता है कि विकास होना अब शुरू हुआ है। कैसे शुरू होगा यार, विकास तो अभी बच्चा ही है, विकास तो बड़ा ही नहीं हो रहा। विकास कहाँ बड़ा हो रहा, विकास तुम्हारी 10 साल सांसद रहे कुछ विकास नहीं किया। सांसद कहाँ, उनको सांसद बता रहे हो यार? सांसद का मतलब होता है रोड बनाना, गलियों सड़कों का मुद्दों का ध्यान रखना, बना के विकास करना। सांसद ही नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा। आप तो सांसद नहीं है? अरे यहाँ का मुद्दा कभी उठाए हैं? आप संसद खोल के हिस्ट्री खोल के देखिए, कोई मुद्दा उठाए हैं? यहाँ सालों से सबसे बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या है, इसी पुस्तक से आप लोग आए होंगे, कितना घंटा टाइम लगा होगा? बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे सघन आबादी वाला और सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ के जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जो चौड़े चौड़े रोड है, लेकिन वहाँ पर ऐसे रोड की हालत देखा गया है, मैंने देखा है, उससे कहीं बेहतर जो हमारे गाँव ग्राम या बिहार में चले जाइएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, देखो यूपी के अंदर भी भाजपा की सरकार है, लेकिन ये आपके भाजपा है, यही मनोज तिवारी है, यहाँ का विधायक भी मोहन सिंह बिस्ट है और यहाँ के निगम पार्षद भी, तीनों भाजपा से हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, भोले भटके सा किसी गांव के अंदर आप एंट्री कर जाए उत्तर प्रदेश से बिहार, तो इससे लाख गुना बढ़िया वहाँ की सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं साथ चले जाओगे। लेकिन यहाँ की सिचुएशन क्या है, ये तो आपको सही देख रहे हैं, लेकिन अभी आपने जहाँ से एंट्री किया हुआ पहला दूसरा तीसरा पुस्ता सर्कुलर रोड का, वहाँ पर बेड़ा पार है। अभी आने वाले 2 महीने में देखना बरसात का मौसम होगा और विकास का नाम होगा। यहाँ सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन हमारे सांसद जी सबसे अमीर हैं, उनकी 10 सालों में इतिहास में मतलब दर्ज किया उन्होंने दिल्ली के सबसे अमीर सांसद, सबसे अमीर सांसद, बिल्कुल। ये अभी नॉमिनेशन जब उन्होंने दिया एसडीएम ऑफिस में, तब हमें मीडिया के थ्रू भी पता लगा, लेकिन मीडिया में ये पता लगना चाहिए कि सोने भरी इलाका जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये भी मनोज तिवारी जी के अंडर में ही आता है, लेकिन ये कहाँ है, इसको और आगे होना चाहिए। तो आखिर इस सिचुएशन में पब्लिक ये क्यों कर रही है? आप, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे, यहाँ जनमानस जितना भी आप किसी से पूछ के देखो कि बेसिक नीड क्या है। अभी किसी को इमरजेंसी में मेडिकल कोई सुविधा चाहिए, एम्बुलेंस जाने में कितना दिक्कत होगा, एक एक मिनट कीमती होता है ना, आपको एम्बुलेंस आते जाते नजर नहीं आएगा। लेकिन आज जब मैं यहाँ आने के लिए जो भटक रहा था, तो शनि बाजार चौक पे मनोज तिवारी जी का भी शायद वहाँ पे प्रोग्राम होना था, लेकिन वहाँ का भी रोड की हालत जो, वहाँ की रोड की हालत जो है ईटा रोड़ा इस तरह का जो पत्थर दिखा है वहाँ। बात कर रहे हैं भगत जी मंदिर पहला पुस्ता, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, सर्कुलर रोड वहीं पे है, वो टूटा फूटा पड़ा है, कोई विकास हुआ ही नहीं है। यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, सांसद आपस में ही लड़ते भिड़ते हैं और पूर्वांचल वालों को पागल बनाते हैं। तो क्या लगता है मनोज तिवारी, कभी नजर नहीं आप लोग? नहीं आए क्या लगा, कभी नजर नहीं आप? नहीं कभी नहीं है, यहाँ तो दिखता ही नहीं है, बस जीतना एक जुमलेबाजी करना आसान है। कन्हैया कुमार जीतेंगे? कन्हैया कुमार 100% जीतेंगे, मनोज तिवारी जी ने एक काम नहीं किया, चौहान पट्टी गोद में लिए थे वो गोद में ही रह गया। हमारा ये जो पुस्ता वाला रोड है आए दिन जाम लगता है, इतना जाम आए दिन एक्सीडेंट होता है, एक काम भी नहीं किया। तो क्या लगता है, यहाँ ना कोई ढंग का कोई हॉस्पिटल है, ना ढंग का कोई स्कूल है, मनोज तिवारी जी ने एक काम भी नहीं। लेकिन मनोज तिवारी कहीं ना कहीं एक मजबूत सांसद रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, डिबेट में खड़े करिए, मेरी बात सुनिए। अभी चीफ जस्टिस थे जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने क्या इनमें नॉमिनेट किया है, इनवाइट किया ना नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को, सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मेरी मेरी क्या, हम पब्लिक की रिक्वेस्ट रहेगी
रिक्वेस्ट है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी का लाइव डिबेट हो, मजा आए, आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा का मजा आए, लाइव डिबेट मुद्दों पे होना चाहिए, ये नहीं हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी लगातार चैलेंज कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो तो डिबेट कर नहीं रहे, क्यों, किसका एक्सेप्शन है और भाई साहब मैं बिल्कुल चाहूंगा एक बार राहुल गांधी जी की डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी से भी होनी चाहिए एक बार होनी चाहिए सुधांशु त्रिवेदी से डिबेट, ठीक है, जिससे कि मालूम पड़ेगा मोदी के डिबेट के लायक नहीं, सुधांशु के डिबेट के लायक नहीं है। पूछो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बता दो इनसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़िए, राहुल गांधी जी की तरफ, राहुल गांधी जी की तरफ उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम इधर से आलू डालेंगे उधर से पैसा निकलेगा। राहुल गांधी ने ये कहा था, आप जी न्यूज में बड़े बड़े चैनल में देख लेंगे, राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी के हवाले से कहा था। क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी, देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, मोदी जी एक काम भी नहीं किए है अपने शासन काल में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम अगर भाजपा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू लियाकत ने सवाल किया कि आप जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान और बहुत कुछ आप ऐसा वर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करूँ तो सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक तौर पर रहने का योग्य नहीं रहूंगा, कह रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लिया। भाई साहब अभी जो चुनाव हुआ है फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का जो चुनाव हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम का रंग मोदी जी भर दिए, अगर मोदी जी हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ना करें तो एक चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये गारंटी है मेरा। मुद्दे पे बात नहीं करते, बेरोजगारी महंगाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जनता एकदम परेशान है। 5 किलो राशन में घर चलेगा भाई साहब, इतना महंगाई है, महंगाई एकदम चरम पे है, महंगाई चरम पे है, मोदी जी कोई काम नहीं, सिर्फ जनता को उल्लू बनाए, 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, नहीं बेकार है। क्या लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या मुद्दा होना चाहिए, अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए? सर जी मुझे नौकरी का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास का तो क्या लगता है कन्हैया कुमार जी, मनोज तिवारी इस बार मनोज तिवारी कहा जा रहा है, कन्हैया कुमार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी नहीं कन्हैया कुमार? क्या लगता है भैया, क्या नाम हुआ आपका? शंभू रजक नाम है मेरा, और मैं जितना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को कम से कम जो है पैसे तनख्वाह उनका बढ़े, तो यही चाहता है कि गरीब आदमी जितने हैं उनको बढ़िया रोजगार मिले, सारे बीवी बच्चे लेके आराम से अपना खाए पिए, घर परिवार पर पकड़े रहे, दिल्ली ढाका ना जाए कमाने के लिए, नहीं तो कहीं भी जाते हैं, कोई लुधियाना जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई बम्बई जाता है, वहाँ वो कट जाते हैं, तो वहाँ वो मर जाते हैं, तो कहीं गाड़ी से क्या लगता बदलाव होना चाहिए? देखिए कन्हैया कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं आप जो उनकी सभाएं होती है, आप लगातार जो जिस तरह से जो नारे लग रहे हैं कन्हैया कुमार के समर्थन में, कन्हैया लगातार जो है जिस तरह से कन्हैया कुमार की रैली में जनसभाएं में जो भीड़ आ रही है, कहा जा रहा है कि इस बार जो है उत्तर पूर्व दिल्ली से बदलाव होना निश्चित है। वही जो अगर देश की बात की जाए तो देश में भी कहा जा रहा है कि बदलाव की लहर उठ चुकी है, और क्या लगता है इस समय मुद्दे पर आप भी कह रहा है कि अगर मुझे हमें दूर बताएं।